यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 98 पर गुरुवार को दिन दहाड़े बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक महिला मोहसिना पत्नी सानू निवासी मूसा विलासपुर गांव को उस समय गोली मार दी जब महिला बेगरासपुर मेडिकल कॉलेज में दवाई लेने के लिए आई थी। घटना की सूचना पर स्वयं SSP अभिषेक यादव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। आला अधिकारियों द्वारा घटना की सूचना मृतक महिला के परिजनों को देकर मामले की बारीकी से जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके पर पुलिस ने आला अधिकारी क्षेत्र में लगे हुए CCTV कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस तरह की वारदात का खुलासा किया जा सके। इस मामले में SP City अर्पित विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक सवार दो बदमाशों ने बेगरासपुर मेडिकल के बाहर एक महिला मोहसिन पति सानू निवासी मूसा विकलासपुर गांव को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच कर मामले का जल्दी खुलासा किया जाएगा। आज थाना मंसूरपुर क्षेत्र में बेगराजपुर हॉस्पिटल है, उसके सामने सूचना मिली थी कि एक महिला को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पहुंची थी और अस्पताल उसको पहुँचाया गया और जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया था। और अभी इसके परिवार वालों से सूचना कर दी गई है, परिवार वाले भी यहाँ आ रहे हैं और साथ ही टीम भी लगा दी गई है कि जो भी यहाँ पे जो अभी तक सूचना जो आई है कि दो लड़के थे जो बाइक पे थे और उनकी भी जानकारी कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं और टीम लगा दी गई है और उनको जल्द ही पकड़ के गिरफ्तार किया। कितने बदमाश थे सर? दो लोग थे जो बाइक से थे और महिला की उम्र करीब 24-25 साल। गोली तमंचे से मारी गई? हाँ, तमंचे से गोली। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।